तो चलिए दोस्त एक और टेलर की शुरुआत करते हैं। डबल एक्सएल, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सएल मतलब होता है पहनते हैं, ये जो एल है मेरा, मगर एक्सएल मतलब क्या? हाथी, समझ लीजिए साहब बात। टेलर की शुरुआत होती है एक लड़की जो अपने सपने में शिखर धवन को याद करती है। भाई साहब हम भी अपने सपने में, क्योंकि हमारे भी सपने में कुछ कुछ ऐसे सीन होते हैं जो देखने में बहुत ही एक्साइटमेंट होते हैं, मगर उस सपने का चकाचूर होने में देरी नहीं लगता है, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी आ जाते हैं और सपने को तोड़ देते हैं, क्योंकि सपना सपना ही रह जाता है, ऐसे तो नहीं मिलता है, ऐसे तो समझ रहे हो, समझ लीजिए, समझ रहे हो आप? सपने में ही जो काम हो जाता है वो हो जाता है, बस इतना ही काफी है। तो चलिए और इस मूवीज के बारे में बात करते हैं। ये दो लड़की होती हैं जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी और इसका सिलेक्शन भी कहीं पर नहीं हो रहा था। इनकी वजह है इनकी मोटापन। भाई मोटापन घटाना है तो कितनी ऐड है उतना में से कोई दवाई खा लो, मोटापन दूर हो जाएगा, मगर नहीं, इनको तो भाई फैशन करना है, मॉडलिंग करना है। एक बात इन्होंने बोली कि ये काम किसी चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मगर चूजे से क्या मतलब, समझे आप? नहीं, दो लड़कियां में से एक लड़कियां के पास फैंग फ्लोइंग 26 थी, शायद मेरे से हाई थी, मगर मेरा तो 16 सही है, उसके पास तो 26 है, मेरे पास उससे थोड़ा मैं कम हूँ, मगर कुछ दिन में आगे हो जाऊंगा, बस उनसे मोटा नहीं हो पाऊंगा, बस इतना ही कंडीशन है, वो मुझसे, समझ रहे हो आप? तो फिर वो दोनों लड़कियां लंदन गई और लंदन जाकर मॉडलिंग की और वहां पर कुछ कुछ ऐसे फेमस भी हो गई और पैसा भी कमा लिए। फिर दोनों एक ऐसे दुकान पर गई, बनाना मिल्कशेक, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, बनाना मिल्कशेक, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, वाओ, सारे फल खरीद लिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। नहीं तू समझा नहीं, भाई साहब मौज कर दी। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि ये भी बात सुन लीजिए, तुमसे कुछ छोटा बड़ा मांग लिया तो कहाँ जाओगे? तू समझा, अब भी तैयार हो जाइएगा, ऐसा भी हो सकता है आने वाले वक्त में आपके साथ की गलतियों के बारे में बात करते हैं। इसकी एक्टिंग उतना जबरदस्त नहीं होता है, कभी कभी लगता है कि इनकी जोड़ी कुछ तो वीक है और इनकी एक्टिंग भी थोड़ा वीक है, और आपको कॉमेडी देखना है तो थोड़ा यहाँ पर कॉमेडी भी मिल जाएगा और इंजॉय भी हो जाएगा, और उतना खास मूवीज में है नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वही है टाइम पास के लिए है, बस हाँ एक चीज के लिए मोटिवेशन है, इस लड़कियों का जुनून देख लीजिएगा, बस इतना इस मूवीज में अवेलेबल है। तो मगर एक कंडीशन है, क्या ये सिनेमा हॉल में लोग देखने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जिसका भाई एक सेटिंग है उसके साथ जाकर देख सकते हैं और देखने में भी एक्साइटमेंट होने वाला है इन लोगों को, यानी सेटिंग वाले को, हम जैसे निठल्ले वाले को जाकर हम अकेले देखेंगे और क्या करेंगे। भाई साहब आप भी तो समझ रहे होंगे, आप भी वैसे ही होने वाले हैं। ये मूवी 4 नवंबर को आने वाली है और देखना होगा क्या खास कर पाती है, बस मगर उतना खास नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे अनुसार इसका रेटिंग बता देते हैं आपको, यहाँ पर 3.1 मिल सकता है मेरे अनुसार, अगर आपके अनुसार कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा रेटिंग। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।